उसको खोलो। तो बच्चे जैसी 3D शेप है कि आप कितनी हाईलाइट करा सकते हो। मुझे और ये जो सब्जेक्ट है ये उसको टफ जाता है, ज्यामिति ज्यादातर बच्चों को देते हैं, ज्यामिति प्रकरण ये बहुत कठिन जाता है, और अगर इस प्रकार से हम उसको बताएंगे तो वो इजी जाने लगेगा, वो समझ जाएगा कि आगे क्या होता है। मतलब देखिए इसमें इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें चार पांच लोगों के में ही एक बार तो हमने उनको बता दिया, स्कूल से भी करके बताया, एक उनको बोला कि आप लोग खुद बनाओ इसको करना ठीक है, तो ऐसे करके वो दो बच्चों ने किया, फिर कुछ उसमें दिक्कतें भी आई। तो लेकिन ये जो भी एक्टिविटी होती है ना इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार कपड़ा लिया तो कैसे ना वो बोलता और थर्मामीटर देख कर एक बच्चे का अच्छा चेतन खुद अजय का तापमान गिर के बता वहाँ देखो एक पाव शक्कर मारे कितने ग्राम है। तो क्लासरूम से बाहर ले जाए, क्लासरूम में भी कर सकते हो कि इस कोने से देखो इस कोने से उस कोने क्लास की दूरी में मानी तारों के बीच में वो राउंड है और राउंड का वजन भी तो ये दो तार पकड़ना चाहिए ना। वजन तो वो तो अलग बात होगी, वजन तो बच्चों का चलना चाहिए हम कि यदि राउंड बड़ा दे तो ज्यादा चाहिए होगी पावर के चलना चाहिए तो क्या नहीं छूट जाएगी घूमेगा क्या वो हवा पड़ेगा वो छूटेगा वो बहुत घूमेगा ये बच्चे बच्चे की बच्चों का सवाल है कि शुद्ध अर्थ नहीं बन पाए मेरे नॉलेज से। हां नहीं हां इसलिए इससे शेयरिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे हम बड़े कह रहे हो कुछ कह रहे हो तारों की संख्या ज्यादा रहेगी क्यों